नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज किस वीडियो में बताने वाला आप कैसे एक ब्लॉगर वेबसाइट को वर्डप्रेस में मूव कर सकते हैं सिर्फ कुछ ही मिनटों में। बहुत ही आसान है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ब्लॉगर का डैशबोर्ड है, ये मेरा डोमेन नेम है, इसी को मैं मूव करूँगा वर्डप्रेस पे। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है नेमचिप के डैशबोर्ड में। तो आप जहाँ से आपने होस्टिंग किया उस वेबसाइट पर जाना है, आपको अपने लॉगिन सी पैनल करना होगा। तो मैं सी पैनल यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। आपको बता दूँ, मैं पहले स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा अपना वेब डोमेन नेम दिखा दूँ आपको और कहाँ है मेरा होस्टिंग। ये देख लीजिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे होस्टिंग है मेरा और नीचे वाला डोमेन हमें होस्ट किया है। तो ये लॉगिन हो रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। चलिए, हमारा सी पैनल ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये सॉफ्ट क्लोज ऐप इंस्टॉलर है ना। तो यहाँ पर आपको वर्डप्रेस दिख रहा है, वर्डप्रेस पर क्लिक करना है। तो वर्डप्रेस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ है, तो इस बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपसे ऑप्शन देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर सेटअप। तो यहाँ पे वर्जन है, तो आपके यूट्यूब पर डिपेंड है कि कौन सा लेते हैं, इट्स ऑन अप टू यू। जैसे कि 5.1, तो 4.9, जो भी आप चाहिए उस हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद प्रोटोकॉल है, आपको अपना डोमेन कैसे कैसे दिखाना है। तो https लेता हूँ मैं, /www, ये सही रहेगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे वेबसाइट चूज करना। तो स्मार्ट कंट्रीज मेरा ऑफिशियल वेबसाइट ऑलरेडी यहाँ पे होस्ट है, तो मैं अपना डोमेन एटन डोमेन से हमने ऐड किया था ना smartcountry.com, तो ये आ गया। इसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद माय ब्लॉग लिखा है, इस पर टाइटल है, टाइटल को आपको रिमूव करना है। और यहाँ पर अपना ब्लॉग का डैशबोर्ड में जाकर अपना टाइटल कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, देख लीजिए यहाँ सेटिंग पर, ये स्मार्ट ज्ञान शेयर है। तो ये पूरा कॉपी करते हैं हम कंट्रोल सी से, यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे, हो गया। और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन वहीं से हम ये वाला है जो नीचे, इसे सेलेक्ट ऑल करेंगे कंट्रोल ए से और कंट्रोल सी। चलिए यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल सेलेक्ट करके, हो गया। अब हमें यहाँ पे अपना एडमिन पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करना होगा। आप अपने हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज कर लीजिए और सेट कर दीजिए। तो मैं आपको एडमिन यूजर नेम अपना ऐड कर देता हूँ मैं, जैसे Deepak123 हो गया। आप सोच समझ के दीजिए जो भी आपको देने का है। तो मैंने इसे अपने में ये दिया। अब पासवर्ड आपको यहाँ पे रखना है, तो पहले हाइड कर दूँ मैं, उसके बाद एंटर कर दिया पासवर्ड। चलिए मैं पहले पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ, फिर वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आगे बोलता हूँ कुछ। तो दोस्तों, मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, उसके बाद हमारा काम हो गया। नीचे आना है हमको सबसे लास्ट में, और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आपको फिर से दूसरा पासवर्ड चूज कर लीजिए, कोई आसान सा पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग रखिए, ताकि आपको लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। अब नीचे आना है हमको, और यहाँ पर आपको मिलेगा इंस्टॉल का बटन, तो इंस्टॉल कर दीजिए। तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगाएगा, 1 से 2 मिनट। तो इसे आप यहाँ से रिमूव कीजिए पहले, ये .com डोमेन जो आपने यहाँ से रिमूव कर दिए, क्योंकि आपका वर्डप्रेस पे अब शिफ्टिंग होने वाला है ना, इसीलिए। तो इसे आपको रिमूव करना है यहाँ से। चलिए, रिमूव हो चुका है। और इसका कंटेंट भी आपको पूरा बैकअप ले लेना है, ताकि उसमें पोस्ट कर सके बाद में। वेबसाइट को डिलीट मत कीजिए, जो ब्लॉगर पर उसे ऐसे रहने दीजिए, सिर्फ डोमेन हटाना है। तो ये देखिए, हो गया हमारा कम्प्लीट। तो ये रहा आपका URL, विराट ऐड का एडमिनिस्ट्रेटर URL। यहाँ से आप डैशबोर्ड पर क्लिक कर सकते हैं नीचे से। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ अपनी वेबसाइट। तो हम क्लिक करते हैं अपने URL पे और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, अभी ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसने बोला थोड़ा टाइम लगेगा अपडेट होने में, तो थोड़ा वेट कीजिए। और यहाँ पे अभी नहीं हो सकता, 1-2 घंटे बाद आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं आता है फिर भी, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके डोमेन में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल है या नहीं। अगर नहीं होगा तो इंस्टॉल कीजिए, फिर आप कीजिए, या अपने आप ऑटोमेटिक आपका ओपन हो जाएगा ये वेबसाइट। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान था ब्लॉगर से वर्डप्रेस में मूव करना। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक नहीं करते, एक लाइक कीजिए, बिल्कुल फ्री है। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लाइक करने से मुझे मोटिवेट मिलता है, ताकि आपके लिए और भी वीडियो बनाऊँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और बताइए आपको अगर कोई भी तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, या आपको समझ नहीं आया। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर। तो जय हिंद, वंदे मातरम।